पहला उदाहरण इस प्रकार है, ये काफ़ी सरल उदाहरण है कि अगर एक कोई यादृच्छिक चर जिसको कि x से दर्शित किया गया है, जिसका कि प्रायिकता घनत्व फलन निम्नतः दिया हुआ है। इस प्रायिकता घनत्व फलन में आप देख सकते हैं कि ये x के सापेक्ष है, जो कि यह यादृच्छिक चर x है, और आंग्ल भाषा के बड़े अक्षर का उपयोग हम यादृच्छिक चर को दिखाने के लिए करते हैं और छोटे अक्षर का उपयोग यादृच्छिक चर के मान को दिखाने के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो घनत्व फलन है उसमें हमने छोटे x आंग्ल भाषा के अक्षर का इस्तेमाल किया है, जो कि मान दिखा रहा है यादृच्छिक चर का। अगर वह मान 0 और 2 के बीच में है तो उसका फलन आपके सामने दिया हुआ है, और अन्यथा उस फलन का मान 0 है। तो इस प्रश्न में दो चीज़ें पूछी गई हैं कि ऐसे यादृच्छिक चर में पहले तो फलन में जो स्थिरांक है उसका मूल्य क्या होगा, तो स्थिरांक जो c दिया हुआ है उसका मूल्य निकालिए, और उसके बाद इस यादृच्छिक चर का मान 1 से ज़्यादा होने की प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए। तो आप समझ ही चुके होंगे कि यह एक सतत यादृच्छिक चर है, तो इसका प्रायिकता घनत्व फलन कुछ परिभाषाओं को सत्यापित करेगा, तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम स्थिरांक निकालेंगे, और एक बार स्थिरांक निकल जाएगा तो प्रायिकता का मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखें कि हम कैसे इसको निकालेंगे। तो इस प्रश्न का हल इस बात पर निर्भर है कि किसी भी सतत यादृच्छिक चर का प्रायिकता घनत्व फलन संतुष्ट करता है कि उस घनत्व फल का अगर हम समाकलन करेंगे यादृच्छिक चर के सभी संभावित मान, जो कि यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं हुआ है, तो उसका मान धनात्मक अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम उसे समाकलित करें दिए हुए फलन को, जो कि यह एक प्रायिकता के मान को दर्शाता है, तो किसी भी यादृच्छिक चर के सभी संभावित मानों को लेने की संभावना हमेशा 1 से दिखाई जाती है, तो अतः यह समाकलन का मान 1 होता है। तो इसी परिभाषा को इस्तेमाल करते हुए हम गणना कर सकते हैं स्थिरांक जो कि हमें दिए हुए प्रश्न में निकालने को बोला गया है। तो चूंकि जो हमारा प्रायिकता फलन दिया हुआ है उसको हम समाकलित करेंगे, जहाँ कि x का मान धनात्मक अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत के बीच में होगा, और उस समाकलन का मान 1 के बराबर रख के हम स्थिरांक की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि किसी भी समाकलन में अगर x के घात n का समाकलन हम करते हैं, तो वह समाकलन का मान होता है x^(n-1)/(n-1)। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं कि फलन में जो 2 भाग दिए हुए हैं उनका अलग अलग हमने समाकलन किया, जिनका कि मान आपके सामने है, और उस समाकलन को अगर हम थोड़ा सा सरलीकृत करें तो उस सरलीकृत करने के से उसका मान, चूँकि हमें यह दिया हुआ है कि यह यादृच्छिक चर अपना मान 0 और 2 के बीच में ही लेता है, तो हमने समाकलन का मान इन दोनों सीमाओं के बीच निकाला, जिससे कि हमें स्थिरांक का मान 3/8 प्राप्त हो गया। तो इस तरह हमारे दिए हुए सतत यादृच्छिक चर का द्रव्यमान फलन का हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, स्थिरांक का मान भी निकल गया। अब हम दूसरे उपप्रश्न की ओर, जिसमें कि हमें पूछा गया है कि इस यादृच्छिक चर के 1 से ज़्यादा मान लेने की प्रायिकता क्या होगी। तो परिभाषा के अनुसार हम उस प्रायिकता को निकाल सकते हैं यादृच्छिक चर के 1 या 1 से ज़्यादा मान, जो कि 1 से ज़्यादा मान जो होगा वो धनात्मक अनंत की हो जाएगा, तो हम इसे समाकलित कर सकते हैं इसके द्रव्यमान फलन को इन दो सीमाओं के बीच, और इस समाकलन को करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका मान 1/2 या 0.5 निकल के आता है। तो यह तो हुआ एक बहुत आसान प्रश्न किसी भी सतत यादृच्छिक चर के बारे में।